हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्विक एंड इजी बन हेयर स्टाइल जो कि साड़ी पे बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से बीच की मांग निकाल ली है और क्राउन एरिया पे इस तरीके से अपने हेयर को उठाया है। बहुत ही ईजी है, एक क्लचर की मदद से। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब हेयर स्टाइल टूल्स नहीं है तो आप आराम से बना सकते हो इस हेयर स्टाइल को। क्राउन एरिया पे इस तरीके से कॉम कर लेना है एंड थोड़े से हेयर को पकड़ के हल्का सा बैक साइड से आगे की तरफ पुल करेंगे और क्लिप से सेट कर देंगे। ये वाली क्लिप्स तो सबके पास होती हैं, पतली वाली जो आती हैं, ये आप वो अभी क्लिप्स इसको आप लगा लोगे अपने क्राउन एरिया पे पफ को अच्छे से सेट करने के लिए। तो यहाँ पे दो क्लिप्स मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स को लगा लिया और हमारा पफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, हमारा आजकल सिल्क लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो सिल्क लुक इस तरीके से बनाने के लिए फ्रंट से सिंपली हेयर को पकड़ेंगे और आगे से थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लेंगे और बैक में जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया था पफ बनाने के लिए, वहीं पर ले जाके इस हेयर को भी क्लिप से सेट कर देंगे। बहुत प्यारा लगेगा और खुद से बना सकते हो, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो यहाँ पे भी मैं बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दे रही हूँ। सेकेंड साइड भी सेम इसी तरीके से आपको करना है, इस तरीके से हल्का हल्का खींच लेंगे। फिर सेकेंड साइड भी आपको इसी तरीके से सेम जैसे इधर बनाया था वैसे ही बनाना है। बहुत प्यारा लगेगा और वेडिंग पार्टी में भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिंपली हेयर को लिया है एंड क्लिप से सेट कर दिया है। बैक के सारे हेयर को अच्छे से कॉम करके एक रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर में एक क्लचर लगाएंगे। क्लचर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, शॉर्ट या बड़ा, छोटा या बड़ा आपकी मर्जी है। अच्छे से रबड़ बैंड के ऊपर क्लचर को लगाने के बाद से कॉम बालों बचे हुए बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। क्लचर को अच्छे से हाइड करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे और लगा देंगे और अंदर की तरफ सारे हेयर को इंसर्ट करते हुए एक यूपिन ले लो या फिर आप क्लचर में डायरेक्टली सेट कर सकते हो। तो शॉर्ट हेयर है तो इजीली आपके बन जाएंगे, मतलब मीडियम लेंथ हेयर है तो। देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है। आप इसको चाहो तो गजरा से या फिर हेयर स्टाइल टूल्स जो हेयर यूपिन्स आते हैं फ्लावर्स वाले वो लगा सकते हो, जिससे कि आपके बन को एक पार्टी लुक मिल जाएगा। अब सेटिंग स्प्रे को पतले दांतों वाली कॉम पे लेके इस तरीके से लगा दिया है फ्रंट के हेयर पे, ताकि हमारा जो साइड से बेबी हेयर्स दिख रहे थे वो अच्छे से सेट हो जाए। इस साइड के हेयर को अंदर करके और क्लचर के अंदर ही मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।